हमेशा की तरह सदीक जान इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं। सदीक, आपकी बड़ी खबर आज क्या है, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी साहब के लिए अगले जो 72 घंटे हैं वो बहुत अहम हैं। इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 3 अहम समातें हुई थी, सवाले से भी अपडेट कर दीजिए। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा कि अगले 72 घंटे यूसुफ रजा गिलानी साहब के लिए जितने इंपॉर्टेंट हैं उतनी हुकूमत के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए इंपॉर्टेंट हैं। उसकी रीज़न यह है कि एक तो आज समात हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और आज की जो समात थी उसके ऊपर हम आते हैं, बात करते हैं कि आज क्या हुआ, लेकिन कल भी इस हवाले से समात होना है, और साथ ही कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में NA 75 के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला था उसको तहरीक इंसाफ ने, अली असद मली ने चैलेंज किया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। कल ही अली नवाज़ अवान जो MNA हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने गिलानी साहब की जो फतह है, जो वो जीते हैं, सेनेटर बने हैं, उनकी इस कामयाबी को चैलेंज कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो कल का दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पता है कि अगले 2 दिन जोड़ तोड़ होने, और अगले 2 दिन और फिर जुमे वाले दिन इलेक्शन है कि चेयरमैन सेनेट कौन होगा। जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाप्त हुई उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई। सबसे पहले तो सब साफियों के लिए बमशल था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ही प्रेस रिलीज को जो है वो लग करार दे दिया है, झूठ करार दे दिया है, बेबुनियाद करार दे दिया है। 2 मार्च को जब ये वीडियो सामने आई थी कि कैसे गिलानी साहब के बेटे जो हैं अली अदर गिलानी, वो खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, वो पैसे बांट रहे हैं, वो वोट खरीद रहे हैं, वो वोट ज़ाया करने के तरीके बता रहे हैं, उस दिन एक खबर चली थी जिसको हम सारे चैनल्स ने बहुत हाईलाइट किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने कहा है कि जब उनके सामने वो प्रेस रिलीज रखी गई, उन्होंने कहा ये पंपलेट क्या है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि ये पंपलेट नहीं है, ये आपकी प्रेस रिलीज है। उन्होंने कहा किसकी प्रेस रिलीज, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। उन्होंने कहा हमने कोई नोटिस नहीं लिया, हम कोई तहकीकात नहीं कर रहे, हम कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, और ना ही उन वीडियोज़ के अंदर कोई ऐसी चीज़ है सॉलिड जिसके ऊपर कार्रवाई की जाए। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात बहुत हैरानगुन थी। अब हमें बाकी भी जो प्रेस रिलीजेज हैं इलेक्शन कमीशन की वो बड़ा देखभाल के चलानी पड़ेंगी, क्योंकि हमने तो बहुत प्रेस रिलीजें चलाई थी इलेक्शन कमीशन की मीडिया के ऊपर कि आइन के मुताबिक काम करेंगे, कानून के मुताबिक काम करेंगे, शफाफ इलेक्शन करवाएंगे, जो है वो ऐसे इलेक्शन करवाएंगे कि लोगों को पता चलेगा कि इस मुल्क में इतने साफ और शफाफ इलेक्शन भी हो सकते हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इस प्रेस रिलीज का हमारे साथ कोई तल्लुक नहीं है। गो के कमल शोजफ ने कहा कि उस रात जब वो दरख्वास्त देने आई थी, उनको इलेक्शन कमीशन के एक ऑफिसर ने कहा था कि हम पहले नोटिस ले चुके हैं, लेकिन एक तो ये मामला हुआ कि उन्होंने कहा कि हमने नोटिस नहीं लिया, ना हम कोई कार्रवाई कर रहे हैं। दूसरा जो मामला था वो बहुत हैरान कन था और परेशान कन भी था कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो आप इसको छोड़ दें कि गिलानी साहब का बेटा वोट खरीद रहा है, पैसे दे रहा है। पहले तो उन्होंने कहा इसमें कोई सॉलिड चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें पता चले कि वो पैसे दे रहे हैं या वोट खरीद रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो 2 बंदे जो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं और जो जिनसे वो बात कर रहे हैं, वो 2 बंदे कौन हैं उनका हमें बताएं। इस चीज़ पर फोकस रहा इलेक्शन कमीशन मेंबरान का कि वो 2 बंदे कौन हैं। उसकी वजह यह है, इलेक्शन कमीशन को भी पता है कि ये स्टिंग ऑपरेशन था। इलेक्शन कमीशन अब तहरीक इंसाफ को जो है वो इस तरह के रिमार्क्स उधर से आ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को ये डराया जा रहा है कि आप गिलानी साहब के बेटे का कुछ हो या ना हो, लेकिन आपके दो अरकान नहीं बचेंगे जो एतराफ़ करेंगे कि जी बिल्कुल हम पैसे ले रहे थे या हम बिक रहे थे, गो के वो स्टिंग ऑपरेशन है। अब तहरीक इंसाफ के लिए ये खतरा पैदा कर दिया गया कि उनके 2 अरकान के गिर्द घेरा जो है वो तंग हो रहा है। तीसरा, इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि अगर ये साबित हो भी जाए कि अली हैदर गिलानी पैसे देकर और वोट खरीद रहे थे, इसके नतायज सिर्फ अली हैदर गिलानी तक होंगे, यानी वो एक गलत काम कर रहे हैं और हर शख्स अपने किए का जवाब दे है, जो वो गलत कर रहा है वो भुगतेगा। इसका यूसुफ रजा गिलानी की जीत से कोई तल्लुक नहीं है, क्योंकि अगर हैदर गिलानी, अली हैदर गिलानी वोट खरीद रहे हैं तो इसका नुकसान उनको हो सकता है, वो MP हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, लेकिन गिलानी साहब का ऐसे कोई तल्लुक नहीं है। फिर इलेक्शन कमीशन मेंबरान ने यह कहा कि मरियम ने जो ये बात कही थी कि जी टिकट चला नून लीग का, उन्होंने कहा इसमें क्या गलत बात है। हो सकता है वो ये कहना चाह रही हूँ कि बयानिया चले, शख्सियत का कोई असर था, कोई आवाज़ का, कोई मौक़ का, बयानिया का कोई असर था। तो उन्होंने कहा यहाँ से भी कोई ऐसा नहीं चीज़ नहीं लग रही कि ये कोई बहुत बड़े जो है वो गलत काम हुआ है। अब कल का दिन इम्पॉर्टेंट है, 2 उन लोगों के नाम आज लिए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, एक कैप्टन जमील और एक फहीम खान। पहली मरतबा हुकूमत ने किसी आइनी फोरम के ऊपर ये इंकशाफ किया है कि ये 2 अरकान थे। पहले मीडिया में तो बात हो रही थी, पहली बार किसी फोरम पर उन दोनों का नाम लिया गया है। अब उन दोनों को भी रिस्पोंडेंट बनाया जाएगा, उन दोनों को भी पेश किया जाएगा। और ये मैं आपको खबर देता चलूं कि हुकूमत ने आज की समात के बाद, जो आज जो इलेक्शन कमीशन में हुआ उसके बाद, उनको ज़्यादा उम्मीद नहीं है और उनको नज़र आ रहा है कि उनको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन भी जारी होगा, हुकूमत की दरख्वास्त भी मुस्तरद होगी। इसलिए हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है, अपील जो है वो तैयार कर ली गई है कि जैसे ही
इलेक्शन कमीशन से दरखास्त मुस्तरद होगी तो फौरन ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। ये आज की इस कार्रवाई के बाद जो हुकूमती लीगल टीम की मीटिंग हुई है उसमें यह तय हो गया है। और साथ ही हुकूमत का आज जो फोकस था फारूक हबीब का, मलिका बुखारी का, कमल शोजफ का, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बार बार ये कहते रहे कि वीडियोस पूरे पाकिस्तान ने देख लिए हैं, कैसे पैसा चला, कैसे खरीदो फरोख्त हुई, सिंध के वसाइल, सिंध के बजट, सिंध का पैसा, नासिर हुसैन शाह साहब, ये सारी चीज़ें पूरी कौम ने देख ली हैं। अब हमने वीडियोज़ आपको दे दिए हैं, अब पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है कि आप क्या करते हैं। आज इलेक्शन कमीशन को ये भी कहा गया कि हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल उसी तरह से कार्रवाई करें इस मामले में जैसे आपने NA-75 में कार्रवाई की है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी आप अपने अख्तियारात को उसी तरह इस्तेमाल करें जैसे NA-75 में किया है। ये आज इस्तदा थी बैरिस्टर अली जफर की और उनके साथ जो दरखास्त गुजार पेश हुए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आज जो समाअत थी, जब समाअत के लिए पहुँचे फारूक हबीब और उनके जो दीगर जो दो अरकान असेंबली दरखास्त गुजारें, तो इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने आकर कहा कि जी ये नोटिस रिसीव कर लें, तो पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया नोटिस रिसीव करने से। उन्होंने कहा कि हम तो मीडिया से देख कर आए हैं कि समाअत जो है वो मुकर्रर हो गई है, हमें तो ये नोटिस मिला भी नहीं है। लेकिन बाद में उन्होंने रोस्टर पर जाकर वो नोटिस वसूल किया, 10 बजे समाअत थी और नोटिस उन्होंने वसूल किया 10:41 पर, और उनको उनके ऑफिस ने बताया कि 10:30 बजे इलेक्शन कमीशन का नोटिस जो है वो उनके ऑफिस में पहुंचा है। तो ये सूरत हाल है, देखते हैं अब कल किस तरफ मामला जाते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सदीक जान आपकी बड़ी खबर के लिए। खिले और नाजिन, जाने से पहले मैं आज भी चीज़ें से पाकिस्तान और मुतलका हुकाम से गुजारिश करूंगी कि सलीम बेग जो कि चेयरमैन पैमर हैं, अपने अहदे का, अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल करते हैं, उनको उनके अहदे से हटाया जाए, किसी अहल शख्स को मेरिट की बुनियाद पर उस कुर्सी पर बिठाया जाए। मेरी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और मुतलका हुकाम से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएँ ताकि कोई खबर रह न जाए।